दोस्तों, फांसी वो सजा है जो सिर्फ तभी दी जा सकती है जब अपराधी ने कोई ऐसा गलत काम किया हो जिसको माफ नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इसे अंतिम सजा भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फांसी की सजा देने से पहले बहुत सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अपराधी को सिर्फ जल्लाद ही फांसी दे सकता है, न कि जेल का कोई दूसरा अधिकारी। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक जल्लाद अपराधी को फांसी पर लटकाने के लिए कितने पैसे लेता है? अक्सर लोगों को लगता है कि जेल में जल्लाद बनना भी एक सरकारी नौकरी है जिसकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो किसी को फांसी नहीं दी जाती। इसलिए पिछले 30 सालों से सिर्फ दो परिवार ही अपने देश की जेलों में जल्लाद की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि जल्लाद की कोई भी मंथली सैलरी नहीं होती, पर उसे सरकार की तरफ से परिवार भत्ता के रूप में पैसे जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने के लिए मेरठ की जेल के जल्लादों को सिर्फ 200 रुपये दिए गए थे। जी हाँ, और इस वक्त जो अपने देश के जल्लाद हैं उनका नाम है पवन। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क अकाउंट पर शेयर करें ताकि बाकी सब भी इसके बारे में जान सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।